निहंग सिख। दोस्तों ये आज भी ये नीले से कपड़े क्यों पहन रहे हैं, हर एक निहंग के पास हथियार क्यों पाया जावे है, इतिहास के है आखिर निहंग सिखों का और इन्हें देश के लिए करे के हैं। आजकल दोस्तों प्रचार और दुष्प्रचार इनके बारे में बहुत है, तो आओ जाने असलियत निहंग सिखों की। आज तक लगभग 320 साल पहले 1699 में सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना करी। उस टाइम उन्हीं के आशीर्वाद से एक धर्म रक्षक सेना तैयार हुई। उस सेना में दो धड़े थे, एक धड़ा जो सिंपल कपड़े में रहा करता और एक ग्रुप जो नीले कपड़े पहना करता, और ये नीले कपड़े वाले फिर निहंग कहलाए। पर सवाल ये है, इस निहंग शब्द में ऐसा के था कोई और शब्द क्यों नहीं चुना गया, और नीले ही रंग में फिर ऐसा के था कोई और रंग इनके कपड़ों के लिए क्यों नहीं चुना गया, आओ देखें। कुछ लोगों का मानना है कि निहंग शब्द संस्कृत के एक शब्द निशंक जिसका मतलब है निडर और शुद्ध उससे लिया गया है, और एक निहंग की ये पर्सनैलिटी है भी। जबकि दूसरी मान्यता का है कि निहंग एक फारसी शब्द है जिसका मतलब है मगरमच्छ या तलवार, और यो नाम सिखों को मुगलों ने दिया था। मुगलों का मानना था कि जिस प्रकार एक तालाब में मगरमच्छ को हराना मुश्किल है, उसी प्रकार एक युद्ध में सिखों के इस ग्रुप को हराना मुश्किल है। गुरु गोविंद सिंह जी के चार बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और सबसे छोटे फतेह सिंह। एक बार तीनों बड़े भाई युद्ध अभ्यास कर रहे थे कि इसे टाइम पे छोटे वाले फतेह सिंह भी वहां पर आए और बोले मुझे भी युद्ध अभ्यास करना है। पर तीनों बड़े भाइयों ने उनकी बात टाल दी कि अभी फतेह सिंह आप छोटे हो, बाद में युद्ध अभ्यास करना। यह सुनकर फतेह सिंह नाराज हो गए और शिविर के अंदर गए, और जब बाहर आए तो उनके शरीर पर एक नीली सी पोशाक थी, एक बड़ी सी पगड़ी थी, एक हाथ में तलवार और एक में भाला, और आगे बोले अब मेरी लंबाई आप सबके बराबर है, मुझे भी युद्ध अभ्यास अभी करना है। फतेह सिंह की बहादुरी देख उनके सब भाइयों ने उनको युद्ध कला सिखाई। और दोस्तों ऐसा माना जावे कि उस टाइम पर अपने भाइयों की बराबरी करने के लिए फतेह सिंह ने जो पगड़ी डाली थी, जो नीली पोशाक पहनी थी, निहंग सिख आज भी उसे ढाल की पगड़ी और उसे ढाल की नीली पोशाक पहने हैं, और जो हथियार फतेह सिंह ने उठाए थे वैसे ही हथियार निहंग सिख भी अपने साथ आज भी रखे हैं। दोस्तों अब न्यू ना सोचियो कि निहंगों ने सिर्फ सिख धर्म की रक्षा करी है, बल्कि हिंदू संतों के बुलावे पर औरंगजेब को अयोध्या में धूल चटाई थी और खुद के प्राण भी नौछावर करे थे। अहमद शाह अब्दाली जैसे आक्रमणकारियों को रोकने के लिए भी निहंगों की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों निहंगों के बारे में आपने यह वीडियो देखकर किसा लगा मैंने कमेंट करके बताइयो। मिलेंगे अगली वीडियो में, सबने राम।